जालौन के कालपी हाईवे में गई एक और जान। ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को रौंदा, दुर्घटना में घायल महिला ने दम तोड़ा। कालपी भोगनीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना को सुनकर परिवार वालों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक कानपुर देहात जनपद के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के बिलहापुर गांव की 30 वर्षीय सीमा बेगम पत्नी दाऊद अहमद अपने मौसेरे भाई कालपी निवासी रिजवान मिस्त्री के साथ मोटरसाइकिल संख्या UP 92 U 2918 में बैठकर अपनी बहन से मिलने कालपी आ रही थी। तभी यमुना नदी के पुल के पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने भयंकर टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक चालक रिजवान उछलकर दूर गिर पड़ा और सड़क में पड़ी सीमा के पेट को रोनता हुआ ट्रैक्टर निकल गया और महिला की अस्पताल जाते वक्त मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाँ सर, क्या मामला हुआ था? एक महिला को लाया गया था आज 12:45 पर। नाम था शनीदा, वाइफ ऑफ दाऊद अहमद, रेजिडेंट ऑफ रामकुंड मंसूराबाद डिस्ट्रिक्ट जालौन। ये डेड बॉडी थी, पेशेंट का एक्सीडेंटल केस था। एक टायर किसी गाड़ी का उसके पेट पे चला गया जिसकी वजह से हैमरेज हुआ और शॉक में चली गई। पेशेंट की इंस्टेंट डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। इस पर और भी जो जांच हुई है उसमें और कुछ भी मिला है? इसके लिए हम इसको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज रहे हैं, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि क्या रिपोर्ट में आएगा।